हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम्स आपका 19 सितंबर को है। अब आपके पास बहुत कम समय है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जीएस के लिए हम ऑनलाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जीआईसी लेक्चरर के कंप्लीट कोर्सेज हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज, रेट इज इक्वल टू दिया है, पूछ रहा है कि दी डबलिंग ए एंड बी, अगर आप ए और बी के कंसनट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई फैक्टर, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने यूनिट से इंक्रीज करना है करेगा, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपने स्टेटमेंट देखा होगा, तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस के सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। अभी आप खुद से ऑब्जर्व करिए कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अभी आपने यूपीपीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम दिया होगा और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी तैयारी कितना है। जीआईसी का लेवल थोड़ा सा पीजीटी केमिस्ट्री से हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% व्हाट इज द टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ टाइम बताना है। 21 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कीमी ऑब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया है, पूछा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है, तो आपको कीमी ऑब्जॉर्प्शन के बारे में सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो आइसोमर्स, दो कंपाउंड दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन, और पूछा गया है कि इन कंपाउंड में कौन सी आइसोमर्स शो होगी। तो इसके लिए आप सारे आइसोमर्स को पता होना चाहिए, आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्रिकल्स। 23 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर इमल्सन कौन सा होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट नियरली हैव सेम साइज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन के साथ यहाँ पे आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिया है कौन सा सेम साइज नहीं होगा। तो जिरकोनियम हाफमियम में आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, नियोबियम टेंटालम में भी आता है, मोलिबिडनम टंगस्टन में भी आता है, इन सब के बीच में लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन आता है, लेकिन एट्रीबियम एंड प्लेटिनम में नहीं आता है। इस सब की साइज जो होती है वो सेम नहीं होती, तो ऑप्शन 4 इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आप देख सकते हैं, इफ ए 25 डिग्री सेल्सियस एट ए वेपर प्रोसेस ऑफ 200 टोर ऑफ ए गैस इज मोल फ्रैक्शन इज सोल्यूशन गिवन देन द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हैं कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर केमिस्ट्री में पूछा जाता है, और इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो ये है आपका जीआईसी के क्वेश्चंस, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम वीडियो आपको थोड़ा शॉर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप इतने क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर खुद से करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशंस पार्ट लेके आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर खुद से प्रयास करेंगे तो इसके साथ साथ आपके और सारे क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे इस क्वेश्चन को, आपको पता करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें लिंकेज आइसोमर क्या होता है, आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। जैसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रीवियस वीडियो में हम बताए हैं कि अगर कोई आइसोमर है उसका सिस ट्रांस आप बना ले रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो अगर नहीं बना पा रहे तो ज्योमेट्रिकल नहीं, तो इसका सिस ट्रांस तो बनेगा नहीं, तो ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं। इस अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, ये सब होता है। तो जीआईसी जो केमिस्ट्री का एग्जाम आप का होगा उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग आएंगे, घुमाओ ट्रॉप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। आपके पेपर में माइनस मार्किंग भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जीएस के पोर्शन में आपको जो भी टॉपिक इजी लग रही है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, करंट अफेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।